अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट का एनालिसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की वर्किंग को देखने के लिए बेहतर तरीका यह है कि हम इसके कोड को ड्राइन करें और उसको एनालाइज करें कि उसकी वर्किंग किस तरह की होती है। क्योंकि सिर्फ कोडिंग करना हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, बल्कि एल्गोरिथम की वर्किंग को समझना, उसको एनालाइज करना हमारा मेन मोटिव है। तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली कोड गिवन है और बबल सॉर्ट डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट उसका जो कोड एल्गोरिथम है वो हर एक लॉजिक जो भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें सेम ही रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इस कोड को ड्राई रन करेंगे और ड्राई रन करने के दौरान हम बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे थ्रू ड्राई रनिंग। तो मैं सिंपल ये करने वाली हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक एल्गोरिथम मौजूद है और मैं इसको वन बाय वन करके ड्राई रन करूँगी और मुझे बेसिकली जो एक खास चंक है इस कोड का उसका मुझे ड्राइडन से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए अलग से। तो जैसे ही उनकी बारी आएगी मैं उनको साथ साथ ड्राइडन करके उनके जितने भी आफ्टर एवरी आइट्रेशन जो वेरिएबल्स का रिकॉर्ड है वो हम रखते जाएंगे। मेन की पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। इस लाइन में हमारे पास क्या हो रहा है, एक सिक्स साइज़ की इंटीजर टाइप की एरे क्रिएट हो रही है जिसमें हमने इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू वैल्यूज़ रखवा दी हैं। तो बेसिकली हुआ क्या होगा कि जैसे ये लाइन कंपाइलर ने चलाई होगी तो बैकग्राउंड में उसने एक एरे क्रिएट कर दी होगी जिसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 साइज़ की एरे है और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं जो हमने इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू रखवाई हैं ये इसके अंदर फीड हो गई हैं और हमारी एरे का नाम है वैल्यूज़। अब कंपाइलर आगे आता है और इस लाइन के चलाने पे कंपाइलर क्या करता है कि मेमोरी में एक एन नाम का बॉक्स बनाता है, ठीक है, और उसमें क्या रखवा देता है, 6 रखवा देता है। फिर जी आ जाता है जी सी आउट वाली लाइन। सी आउट लाइन में कंपाइलर क्या करता है, एज्यूमिंग कि मेरा यहाँ पे एक कंसोल मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, तो कंपाइलर क्या करता है कि जो सी आउट वाली लाइन है उसको एज इट इज़ हमारी कंसोल विंडो पे प्रिंट कर देगा। तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके का मैसेज, ठीक हो गया, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक लूप। चूँकि इस लूप की ब्रैकेट्स नहीं है तो हम सब जानते हैं कि जिस भी लूप या इफ एल्स या जिस भी कोड ब्लॉक की हम ब्रैकेट्स मेंशन नहीं करते हैं तो उससे नेक्स्ट जो पहली लाइन है वो उसकी बॉडी का पार्ट कंसिडर होती है, ठीक है, और रेस्ट जो लाइंस हैं वो मेन का पार्ट कंसिडर होंगी। तो हम लूप स्टार्ट करेंगे। लूप स्टार्ट करने के दौरान कुछ वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं, हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और एन की जगह हमारे पास इस वक्त 6 है क्योंकि एन में हमने देखा है कि 6 आया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होगा जी, वैल्यूज़ ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि इस वक्त 7 है, फिर स्पेस आ जाएगी, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, वैल्यूज़ ऑफ 1 और इसी तरह से एरे की सारी के सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे स्पेस के साथ डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे ये लूप खत्म होगा तो हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी कंपाइलर की तरफ से। तो इससे क्या होगा कि इस स्पेसिंग के बाद कंसोल की विंडो पे यहाँ पे एंटर दब जाएगा, यानी आगे जो भी चीज़ उसने लिखनी है अब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब आते हैं हमारे मेन कोड पे जो कि हमारा ये वाला। तो मैंने बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का जो चंक है वो मेजर मेरा कोड है बबल सॉर्ट का। इसको समझने के लिए हम इसको ड्राई रन करेंगे और ड्राई रन हम किस तरीके से करेंगे, मेरे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, सही है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने टेबल इस तरीके से फिल करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे दो लूप्स हैं, एक है डू वाइल वाला जिसको मैं एक्सटर्नल लूप कह रही हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल लूप मेरा कौन सा वाला है, डू वाइल, ठीक, डू वाइल वाला मेरा एक्सटर्नल लूप है इस केस में, और इंटरनल लूप मैं कह रही हूँ इस फॉर लूप को जो मेरा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको ड्राई रन करते जाना है और ड्राई रन करके मैंने सारी के सारी आइट्रेशंस को नोट करना है कि एक्सटर्नल आइट्रेशन जब लूप की होती है तो इंटरनल कितनी बार लूप हमारा चलता है। अब होगा ये कि कंपाइलर सबसे पहले जब यहाँ पे आता है इस लाइन पे तो वो मेमोरी में क्या करेगा, एक स्वैप नाम का बॉक्स क्रिएट कर देगा और जो भी न्यूली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं उनमें क्या पड़ा होता है, गार्बेज पड़ा होता है। अभी हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल लूप कोई भी आइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है तो मैंने कहा भाई एक्सटर्नल लूप की अभी कोई आइट्रेशन शुरू नहीं हुई है, स्वैप अभी नया नया बना है तो स्वैप के अंदर पड़ा होगा मेरे पास गार्बेज वैल्यू। ये जो आई नाम का वेरिएबल है जो कि यहाँ जाके बनना है अभी हम उसकी बात नहीं करें क्योंकि अभी तक उसका टाइम आया नहीं है, और आइट्रेशन लूप की अंदर वाली ज़ाहिर है जब बाहर वाले की आइट्रेशन नहीं स्टार्ट हुई तो अंदर वाले की भी स्टार्ट नहीं हुई होगी। और इसके अलावा जो टेम्प नाम का वेरिएबल है वो बन चुका है हमारा तो इसके अंदर आ जाएगा गार्बेज,
और जहाँ तक मैं बात करूँ कि एरे के जीरो वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, हम जानते हैं कि एरे के सारे इंडेक्स पे ये वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो हम इन सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देते हैं कि इस वक्त एरे की जो सिचुएशन है उसके हर एलिमेंट पे कौन सा वाला डेटा सेव है, वो हमने सारा लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इस टेबल को फिल आउट करते जाएंगे। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम कह रहे हैं कि जैसे ही डू वाइल है, इसका ये एक्सटर्नल लूप है हमारे केस में, इसका पहला आइट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डू वाइल की हायरार्की ये है कि इसका कंडीशन बाद में टेस्ट होता है, तो इसने एक बार तो चलना ही है। यानी एक्सटर्नल लूप की पहली आइट्रेशन मेरी शुरू हो गई है। एक्सटर्नल लूप ने आते ही स्वैप के अंदर रखवाया फॉल्स। फॉल्स का रिप्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में होता है जीरो, हमने यहाँ पे जीरो सेव कर दिया। ठीक, अब इंटरनल लूप स्टार्ट हुआ। जैसे ही मेरा इंटरनल लूप स्टार्ट हुआ, इंटरनल लूप के स्टार्ट होने पे आई नाम का वेरिएबल बना और उसके अंदर आ गया जीरो। ठीक, जीरो आया, एन माइनस वन, हमारे पास एन यहाँ पे सिक्स है, तो ये हर टाइम बेसिकली फाइव के साथ ही कंपेयर कर रहा होगा। इस वक्त मेरे पास आई के अंदर है जीरो, जीरो इज लेस देन फाइव, कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो वो अब फोर लूप जो कि हमारा इंटरनल लूप है उसके अंदर आ गया, यानी कि फोर लूप की पहली आइट्रेशन मेरी शुरू हो गई है। सही हो गया। उसके बाद फॉर लूप ने क्या किया, उसने कहा भी वैल्यूज़ ऑफ आई, आई के अंदर मेरे पास है इस वक्त जीरो, तो उसने कहा वैल्यूज़ ऑफ जीरो यानी के वैल्यूज़ ऑफ जीरो सेवन की बात कर रहा है, कंपेयर करो क्या इस वैल्यूज़ ऑफ आई जो के वैल्यूज़ ऑफ जीरो है हमारे केस में, क्या उसमें मौजूद वैल्यू वैल्यूज़ ऑफ आई प्लस वन से बड़ी है, यानी कि वैल्यूज़ ऑफ जीरो वाले पे जो वैल्यू पड़ी है और वैल्यू ऑफ वन वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, इन दोनों को कंपेयर करो। तो यहाँ पे वो करेगा सेवन इज़ ग्रेटर देन, चेक करेगा इज सेवन इज ग्रेटर देन टू, जो कि इस केस में हो जाएगा ट्रू। जैसे ट्रू होगा वो अंदर आएगा, वो वैल्यूज ऑफ आई, आई के अंदर इस वक्त है मेरा जीरो, तो वो जीरो वाले इंडेक्स का वैल्यू उठाएगा और टेम्प में कॉपी कर देगा। वैल्यूज ऑफ जीरो वाले की वैल्यू उठाएगा और टेम्प में कॉपी कर देगा, ये लाइन चल गई। फिर वो कहता है अच्छा जी वैल्यूज ऑफ आई वाले डब्बे में जाओ, यानी आई के अंदर इस वक्त है हमारे पास जीरो, तो वैल्यूज ऑफ जीरो वाले डब्बे में क्या रखवाना है भाई, वैल्यूज ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू। आई के अंदर हमारे पास जीरो है तो आई प्लस वन यानी कि वैल्यूज ऑफ वन वाली वैल्यू, तो वैल्यूज ऑफ जीरो में वैल्यू ऑफ वन की वैल्यू को कॉपी कर दो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टू। फिर वो कहता है अच्छा अब ऐसा करो वैल्यू ऑफ आई प्लस वन जो कि हमारे इस केस में है वन, इस बॉक्स में ना जो टेम्प के अंदर वैल्यू पड़ी है वो सेव कर दो, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया सेवन। फिर उसने कहा अच्छा अब ऐसा करो कि स्वैप वाला जो वेरिएबल है ना उसके अंदर ट्रू रखवा दो, तो स्वैप के अंदर आ गया ट्रू की रिप्रेजेंटेशन जो कि वन थी। अब ये इफ ख़त्म हुआ और हमारा पहला इंटरनल लूप का जो आइट्रेशन है वो भी ख़त्म हो गया, और डेफिनेटली चूंकि सिर्फ पहले दो इंडेक्स के अंदर चेंजेस आई हैं तो बाकी एरे के जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ नीचे जो हैं वो कॉपी हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं आया। अब जी ये इफ ख़त्म हुआ है यहाँ पे, और इफ ख़त्म हुआ है तो इंटरनल लूप का जो आई प्लस प्लस वाला सेक्शन है ये इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही ये इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू जीरो से हो जाएगी वन। अब हमारे पास एक्सटर्नल लूप का तो पहले ही आइट्रेशन चल रहा है, क्योंकि जब तक इंटरनल लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा एक्सटर्नल लूप का आइट्रेशन नहीं बढ़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू को उसने क्या कर दिया, यहाँ पर इंक्रीमेंट करके उसने वन कर दिया। जैसे ही उसने वन किया, वन करने के बाद उसने कंडीशन चेक की, वन इज लेस देन फाइव, उसने कहा ट्रू। इसका मतलब हमारा इंटरनल लूप का जो कंडीशन है वो दूसरी बार ट्रू है, यानी कि सेकंड आइट्रेशन इंटरनल लूप की चलने लगी है। जैसे ही सेकंड आइट्रेशन चलेगी अब वो क्या करेगा, वो कहेगा वैल्यूज ऑफ आई, इस वक्त हमारे पास आई में मौजूद है वन, तो वो बात कर रहा है वैल्यूज ऑफ वन की, यानी कि वैल्यू ऑफ वन में हमारे पास क्या पड़ा है इस वक्त, उसमें सेवन ही पड़ा हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है अच्छा अब वैल्यूज ऑफ आई प्लस वन, आई के अंदर हमारे पास इस वक्त क्या है वन है, तो यहाँ पे आई प्लस वन का मतलब होगा कि वो वैल्यू ऑफ टू वाले की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है भाई अच्छा ऐसा करो सेवन और थ्री को कंपेयर करो इस बार, सेवन और थ्री को। इस केस में कंडीशन ट्रू ही, ट्रू होने के बाद उसने क्या किया, उसने कहा भी जी अंदर आ जाओ। जैसे ही वो अंदर आया उसने कहा भी वैल्यूज ऑफ आई, आई के अंदर इस वक्त है वन, यानी वैल्यू ऑफ वन वाले इंडेक्स की वैल्यू को कॉपी कर दो टेम्प में, इस वक्त वैल्यू ऑफ वन में है सेवन, तो सेवन किस में कॉपी होगा टेम्प में, तो ये सेवन इसमें आ जाएगा। सही, अब वो क्या कहता है अच्छा जी वैल्यू ऑफ आई, आई यानी हमारे केस में वन है, वैल्यू ऑफ वन वाली जगह पे उससे अगली वाली वैल्यू कॉपी कर दो, अगली वैल्यू उससे क्या है थ्री है, तो थ्री यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर जी उसके बाद ऐसा करो कि वैल्यू ऑफ आई प्लस वन, आई के अंदर वन है ना, तो वन प्लस वन का मतलब हुआ टू, यानी वैल्यू ऑफ टू वाली जगह पे टेम्प के अंदर जो वैल्यू है ना वो कॉपी कर दो, उसने यहाँ पे रखवा दिया सेवन, और स्वैप के अंदर उसने कहा भी वन रखवा दो, वन रखवा दिया। जैसे उसने स्वैप के अंदर वन रखवाया अब दोबारा से इफ खत्म हुआ, और अब एक
कंप्लीट आइट्रेशन हमारा पूरा हो चुका है, इस आइट्रेशन के कंप्लीट होने जो इंटरनल लूप का अब अगला स्टार्ट होगा, उससे पहले हम देख रहे हैं कि एरे के बाकी एलिमेंट्स जो कि अनचेंज्ड हैं उनकी वैल्यूज तो एज इट इज ही रहेंगी ना, तो उनको हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर देते हैं कि भाई इनमें कोई रद्दोबदल नहीं आया है। अब इंटरनल लूप का वैल्यू दोबारा से अपडेट होगा और ये यहाँ पे टू होता जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि हम इस इंटरनल लूप को एक बार कंप्लीट चला लेते हैं, जो कि टू पे चलेगा, थ्री पे चलेगा, फोर पे चलेगा, और जैसे ही फाइव होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी फाइव जब आई के अंदर आएगा तब इंटरनल आइट्रेशन काउंट नहीं होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी टू, तो कंडीशन फिर से ट्रू होगी, वो अंदर आएगा और वैल्यू ऑफ टू वाले इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को कंपेयर करेगा वैल्यू ऑफ थ्री पे पड़े हुए इंडेक्स के साथ। इस केस में हमारा इफ का कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, और इंटरनल लूप का एक और आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आइट्रेशन के कंप्लीट होने पर कहीं भी किसी भी इंडेक्स पर रद्दोबदल नहीं आई होगी, तो वही वाली वैल्यूज को मैंने दोबारा से कॉपी कर दिया है, और जो भी स्वैप के अंदर वेरिएबल था वो भी एज इट इज़ कॉपी कर दिया क्योंकि उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आई हैं, ठीक है। और इसी तरह टेम्प का वेरिएबल में भी जो प्रीवियस वैल्यू थी वही मैंने कॉपी कर दिया कि इस आइट्रेशन के दौरान जो कि थर्ड आइट्रेशन है कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो कहीं पे भी रद्दो बदल नहीं आई है, जो पुरानी वैल्यूज है वही आगे कंटिन्यू हो रही हैं। अच्छा, अब होगा ये कि जब आई की वैल्यू फाइव होगी वो यहाँ पे कंपेयर करेगा इस फाइव इज़ लेस देन फाइव तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ज़्यादा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इसको आइट्रेशन गिन नहीं रहे हैं, ठीक है। यानी कि इंटरनल लूप का कोई भी आइट्रेशन अब इस फाइव वैल्यू पे नहीं होगा और लूप टूट जाएगा। जैसे ही मेरा इंटरनल लूप टूटा तो एक्सटर्नल लूप के पास आया, एक्सटर्नल लूप ने कहा वाइल स्वैप, स्वैप में हमारे पास रिसेंटली क्या था, लास्ट आइट्रेशन के दौरान वन था यानी रिसेंट वैल्यू, तो उसने कहा वाइल वन, वन का मतलब ट्रू था, इसका मतलब कि अभी ये टूटा नहीं है, इसका एक और आइट्रेशन स्टार्ट करो। अब आया है एक्सटर्नल लूप का सेकेंड आइट्रेशन, एक्सटर्नल लूप ने सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट किया और आते ही उसने क्या कर दिया कि स्वैप के अंदर फॉल्स यानी कि जीरो रखवा दिया। अब दोबारा से इंटरनल लूप स्टार्ट होने लगा तो दोबारा से फ्रेश आई की वैल्यू आई क्रिएट होगा, और आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, दोबारा से जीरो से अगेन। अब सेकेंड आइट्रेशन पे दोबारा से इंटरनल लूप पूरे के पूरे आइट्रेशंस लेगा, यानी जीरो पे, वन पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे, ये तब तक होता रहेगा, इंटरनल लूप टूटता रहेगा, एक्सटर्नल लूप चलता रहेगा, एक्सटर्नल लूप जब तक फॉल्स नहीं होगा इंटरनल लूप पूरी पूरी आइट्रेशंस करता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा हमारे पास कि एक्सटर्नल लूप ब्रेक हो जाएगा, जिस पर फिर हमारा ये कोड का सेक्शन जो है वो कम्प्लीट होगा और हम नीचे आएंगे, ठीक है। पांचवा आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, अच्छा जी, अब इंटरनल लूप की पांचवा आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, आई की वैल्यू अपडेट हुई, फाइव हुई, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई, अब आइट्रेशन कंसीडर नहीं होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो बाहर आएगा, वो कहेगा जी हाँ जी एक्सटर्नल लूप कहेगा वाइल स्वैप, स्वैप के अंदर अभी भी क्या पड़ा हुआ वन, तो एक्सटर्नल लूप अब क्या करेगा, अपना छठा आइट्रेशन स्टार्ट करेगा, वो आते ही एक्सटर्नल लूप क्या करेगा जी स्वैप के अंदर जीरो रखवा देगा, इंटरनल लूप दोबारा से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो पर कंडीशन ट्रू होगी, पहली आइट्रेशन चलने लगी है, पहली आइट्रेशन में वो क्या करता है जी पहले और दूसरे यानी जीरो वाला इंडेक्स और वन वाला इंडेक्स को कंपेयर करता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगी, सारा का सारा डाटा सेम रहेगा इस आइट्रेशन के दौरान क्योंकि इफ की कंडीशन नहीं चली। फिर जी आई की वैल्यू अपडेट हुई और वन हो गई, वन पे कंडीशन फोर लूप की ट्रू हुई, सेकेंड आइट्रेशन चला, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा कि कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो दोबारा से सारी के सारी वैल्यूज़ कॉपी होती जाएंगी, जैसे भी पड़ी हुई हैं सेम वैल्यूज़ कॉपी होती रहेंगी। उसके बाद जो आई की वैल्यू हो गई टू, थर्ड आइट्रेशन चला, सेकेंड और थर्ड वैल्यू को कंपेयर किया, कोई चेंजेस नहीं आई, सारा का सारा डाटा एज इट इज़ नीचे आ गया। फिर जी आई की वैल्यू इंटरनल लूप की थ्री हुई, कंडीशन ट्रू थी, अगली आइट्रेशन चली, तीसरे और चौथे एलिमेंट को कंपेयर किया, कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, सारा का सारा डाटा एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ही वैल्यू फोर हुई, पांचवी आइट्रेशन चली, फोर और फाइव वैल्यू को कंपेयर किया, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो डाटा रिमेन सेम। अब जी आई की वैल्यू फाइव हुई, कंडीशन हो गई, आई की वैल्यू फाइव हुई, कंडीशन हो गई ब्रेक, जैसे कंडीशन ब्रेक हुई एक्सटर्नल लूप ने कहा वाइल स्वैप, स्वैप में रिसेंटली क्या पड़ा हुआ है जीरो, अब एक्सटर्नल लूप यहाँ पे ब्रेक हो गया। जैसे ही ये ब्रेक हुआ अब अगली लाइन कंपाइलर ने चलाई ये सी आउट वाली, अब जो सी आउट वाली लाइन है जो कि हमारे कंसोल पे चली जाएगी डाटा आफ्टर सॉर्टिंग,
फॉर लूप स्टार्ट होगा और वो सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। अब हमारी एरे के अंदर वैल्यूज क्या क्या पड़ी है, जीरो वाले इंडेक्स पे 1 है, 2 3 7 8 9, 1 2 3 7 8 9, और एंडल एक बार चलेगा लास्ट पे और यहाँ पे कंसोल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा ड्राई रन था, और ड्राई रन में हमने एक जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये ऑब्जर्व की है कि बबल सॉर्ट बेसिकली जब मेरा पहला आइट्रेशन एक्सटर्नल लूप का जब पहला आइट्रेशन चल रहा था उस पर जब इंटरनल लूप का लास्ट आइट्रेशन हुआ था जो कि पांचवा आइट्रेशन उसका लास्ट आइट्रेशन था, तो आपने देखा होगा कि जो एरे के अंदर जब एरे बिल्कुल फ्रेश थी तो एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट था 9, और हम इस एरे को सॉर्ट करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने देखा कि जब पूरा का पूरा इंटरनल लूप कंप्लीट हो गया, जो कि इंटरनल लूप यहाँ पे आए कंप्लीट हुआ, तो मैंने देखा कि जो इस एरे के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट था असेंडिंग ऑर्डर में, जब हम किसी भी चीज़ को यानी कि एरे को सॉर्ट करते हैं तो इस 9 की लोकेशन बनती थी सबसे लास्ट इंडेक्स पे। तो इंटरनल लूप का जब एक आइट्रेशन कम्प्लीट हुआ है तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच गया। ऐसे ही एक्सटर्नल लूप का जब दूसरा आइट्रेशन स्टार्ट हुआ और इंटरनल लूप ने अपनी 5 आइट्रेशन कम्प्लीट की, तो इंटरनल लूप के कम्प्लीट होने पर फिर से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनमें जो 8 था जो कि सेकंड लास्ट एलिमेंट था वो अपनी करेक्ट लोकेशन पे आ गया। इसी तरह से क्या होगा, अगली आइट्रेशन के अंदर जब सारा इंटरनल लूप चला तो 7 अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गया, फिर क्या हुआ जी, फिर 3 अपनी लोकेशन पे आ गया, फिर क्या हुआ जी, फिर 2 अपनी लोकेशन पे आ गया, फिर वो सिचुएशन आई कि एरे सॉर्टेड थी और बस आइट्रेशन चली और एक भी स्वैपिंग नहीं हुई। जब एक भी स्वैपिंग नहीं हुई तो स्वैप की वैल्यू फॉल्स ही रही, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू होनी थी तभी स्वैप के अंदर वैल्यूज चेंज होनी थी, और इस आइट्रेशन के दौरान एक बार भी हमारी कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जिसकी वजह से स्वैप के अंदर जीरो रहा और एक्सटर्नल लूप जो था वो ब्रेक हो गया। अगर आपने इसी बबल सॉर्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इफ़ की कंडीशन में हम ग्रेटर की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, लेस का साइन। थैंक यू।